हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा EIGRP प्रोटोकॉल क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इससे पहले मैं वीडियो को अपलोड कर चुका हूं कि IGP प्रोटोकॉल क्या होता है। जो EIGRP प्रोटोकॉल होता है, ये IGPRP प्रोटोकॉल का सक्सेसर होता है, यानी कि एडवांस होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे EIGRP। इसकी फुल फॉर्म होती है इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये सक्सेसर होता है IGRP प्रोटोकॉल का। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये सक्सेसर होता है या एडवांस वर्जन होता है IGRP प्रोटोकॉल का, जिसको हम EIGRP प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसको हम हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट में मैंने यही लिखा हुआ है, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक सिस्को प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ये सिस्को के राउटर पर ही वर्क करता है। अगर आप किसी अदर कंपनी के राउटर पर इस प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना चाहोगे तो ये वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ये केवल सिस्को के राउटर पर वर्क करेगा। थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यूज टू फाइंड द बेस्ट पाथ फॉर राउटिंग, यानी कि EIGRP प्रोटोकॉल का यूज़ एक बेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए किया जाता है, जिससे कि हम सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक मैसेज को ट्रांसफ़र कर सके और रिसीव कर सके। तो उसके लिए हमें एक रूट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रूट को फाइंड करने के लिए EIGRP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे AS की फुल फॉर्म होती है ऑटोनोमस सिस्टम। देखिए, इसको मैंने आपको पीछे भी समझाया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ AS नंबर क्या होता है या AS वैल्यू क्या होती है। इसकी जो रेंज होती है वो 1 से लेकर 65535 तक होती है। आप अपने अकॉर्डिंग राउटर में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कुछ भी रेंज आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि AS यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम होता क्या है। जैसे कि आपकी कोई भी कॉलोनी होती है, कॉलोनी में जितने भी आपके मकान होते हैं, उन मकान के लिए उस कॉलोनी के जो रूल्स है, जो कंडीशंस है, आपको वहाँ पे वो माननी पड़ती है। ऐसे ही हमारा जो AS नंबर होता है, यानी कि सपोज़ कीजिए हमारे यहाँ पे 10 राउटर कनेक्ट है और उन 10 राउटर पे हमने EIGRP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर किया है, तो हम वहाँ पे AS नंबर को असाइन करेंगे, तो उससे ये हो जाएगा कि जितने भी हमारे राउटर कनेक्ट है वो एक ही नेटवर्क में कनेक्ट है, एक ही AS नंबर से यहाँ पे कनेक्ट है। यानी कि उन राउटर के बीच में जो भी रूल्स होंगे, जो भी कंडीशंस होगी, वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे AS का ये मतलब होता है, AS वैल्यू शुड बी सेम। जो ऑटोनोमस वैल्यू होती है वो सेम रहनी चाहिए जब हम EIGRP को कॉन्फ़िगर करते हैं। मैट्रिक मतलब इसके क्या पैरामीटर्स है, ये कैसे एक बेस्ट पाथ को फाइंड करता है, तो उसको हम यहाँ पे मैट्रिक्स के रूप में समझ सकते हैं। यानी कि उसके क्या पैरामीटर्स है, वो बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग जो बेस्ट पाथ होता है उसको फाइंड कर सकता है, या डिले के अकॉर्डिंग या लोड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी कि ये सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। अगर हम बात करते हैं होप काउंट की, तो ये 100 होप्स को सपोर्ट करता है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड करके हम इसको 224 होप्स, या मैं बोल सकता हूँ राउटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा EIGRP प्रोटोकॉल होता है, वो जो हम यूज़ करते हैं, वो 100 राउटर पे या 100 होप्स पे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्फ़िगर करके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हम 224 तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि 224 राउटर हम कनेक्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर EIGRP प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे AD। इसकी जो AD वैल्यू होती है वो होती है 90, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू। अब AD का मतलब क्या होता है,
देखिए जितने भी हमारे प्रोटोकॉल है, जैसे कि रिप प्रोटोकॉल हो गया, उसकी जो एडी वैल्यू होती है वो होती है 120, और जैसे कि ओएसपीएफ प्रोटोकॉल हो गया, उसकी वैल्यू होती है 110, और अब हमारा ये ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल है, इसकी एडी वैल्यू है 90। जिस प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू कम होती है उस पर ज़्यादा बिलीव किया जाता है या वो ज़्यादा रिलायबल होता है, तो इसका यही मतलब होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अपडेट टाइमर। देखिए जो इसका जो अपडेट टाइमर होता है वो एवरी 5 सेकंड होता है। ये क्या काम करता है, ये एक अपने नेबर राउटर को हेलो मैसेज सेंड करता है एवरी 5 सेकंड में, तो ये इसका अपडेट टाइमर होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि EIGRP प्रोटोकॉल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके होप काउंट क्या होता है, अपडेट टाइमर क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको EIGRP को कॉन्फिगर करके बताऊंगा सिस्को पैकेट ट्रेसर में, कि हम प्रैक्टिकली कैसे उसको कॉन्फिगरेशन कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।